जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है पार्ट 13 एमएस वर्ड 2019 एंड 2021 बिगनर्स टू प्रो कोर्स में, और टॉपिक है पैराग्राफ इंडेंट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट द पैराग्राफ इंडेंटेशन। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ इंडेंटेशन के बारे में। ओके, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। इस वीडियो को एक बार शुरू से आखिर तक देख लेना, ठीक है। पैराग्राफ इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैराग्राफ की, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है? एक से ज़्यादा सेंटेंस को हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होता है ना, पैराग्राफ जो है उतना ही जगह घेरता है जितना कि पेज मार्जिन होता है, ठीक है। पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं वो आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि एमएस वर्ड में क्या होता है, पैराग्राफ जो है, जो भी पैराग्राफ है उतने एरिया में फिल होगा जितना कि पेज मार्जिन होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है पैराग्राफ में, ठीक है, जो भी अलाइनमेंट आपने सेट कर रखा, ठीक है, जो भी आपका अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अगर आपका अलाइनमेंट जो है लेफ्ट है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो पैराग्राफ आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर राइट है तो राइट से स्टार्ट होगा, अगर सेंटर कर रखा है आपने तो सेंटर से स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन पैराग्राफ के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि पैराग्राफ में, ठीक है, कि यह पैराग्राफ है, अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर कर्सर ले जाऊँ, ठीक है, और मैं इसे करूँ सेंट, अगर मैं इसे सेंटर करता हूँ तो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। राइट करूँ तो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, पूरा पैराग्राफ मूव होगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर प्रॉब्लम, अगर मैं आपको बताऊँ कि प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं सिर्फ पहली लाइन को, ठीक है, सपोज मैं सिर्फ पहली लाइन को ही मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है, इसी का अलाइनमेंट सेट कर चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है, पूरा पैराग्राफ जो है मूव होता है, ठीक है, अलाइनमेंट के साथ ये ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको क्या यूज़ करना है? पैराग्राफ इंडेंटेशन, ठीक है। पैराग्राफ इंडेंटेशन में क्या होता है, आप पहले लाइन को भी इंडेंट कर सकते हो, ठीक है, पैराग्राफ सॉरी फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितने भी लाइन है उनको, उन सारे लाइन्स को जो है इंडेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, पूरा पैराग्राफ को आप इंडेंट कर सकते हो, नॉट डॉक्यूमेंट, पूरे पैराग्राफ को आप इंडेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंडेंटेशन होते कितने तरह के हैं, ठीक है, इंडेंटेशन जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट इंडेंटेशन, ओके, हैंगिंग इंडेंट और होल पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है। फर्स्ट इंडेंट क्या होता है, जैसे कि एक पैराग्राफ है, फर्स्ट इंडेंटेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आप सभी ने स्कूल और कॉलेज में पैराग्राफ लिखे होंगे, ठीक है, और वहाँ पे एक होता है जैसे टीचर आपसे कहता है कि पैराग्राफ चेंज करो, ठीक है। तो पैराग्राफ आप चेंज करते हो, जैसे ये यहाँ पे मेरा कर्सर क्या है, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट से आएगा, मेरा जो भी मुझे टाइप करना होगा बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन पैराग्राफ चेंज में क्या होता है, हम स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है, तो स्पेस छोड़ने में क्या करूँगा, मैं टैब की दबाऊँगा तो एक स्पेस छूट जाएगा, मतलब ये पैराग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड पैराग्राफ, फर्स्ट एंड इंडेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ चेंज सही है, ठीक है। तो जब मैं इंटर करूँगा फिर से स्टार्टिंग पे आ जाएगा, फिर से मैं टैब की दबाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा तो आपको टैब की का यूज़ करना होगा, लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, आप इसको फिक्स कर सकते हो। कैसे करना है, आप पैराग्राफ में जाओ, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, ठीक है, ये जो आपको, ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, ओके, ये इंडेंटेशन में आना है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, स्पेशल में आना है, ये नन है, क्लिक करना है फर्स्ट लाइन, ठीक है, और ये जो आपका बाय बॉक्स है लिखा हुआ ना, बाय बाय बॉक्स में इसकी वैल्यू सेट हो जाती है 0.5। जब भी आप टैप टैप करते हो ना तो कितना गैप छूटता है, कितना स्पेस छूटता है, 0.5, ओके, इसको ओके कर देना है, आपका जो इंडेंट है फर्स्ट इंडेंट ये वो गैप आ गया ना, तो सेकंड सपोज आप इसको कॉपी करो, ठीक है, इंटर करो, कंट्रोल वी करोगे, ठीक है, पैराग्राफ आपका अपने आप चेंज हो जाएगा, ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट साइन इंडेंट, ओके, ये फर्स्ट साइन इंडेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट करने क्या करना होगा, आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है Ctrl+T, ठीक है, और हैंगिंग इंडेंट को फिर से अंडू करने के, फिर से चेंज करने के क्या करना है आपको, Ctrl+Shift+T, ठीक है। वेन यू प्रेस Ctrl+T, कर्सर स्टार्टिंग में जाओ, Ctrl+T प्रेस करो, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन मूव नहीं होगा, फर्स्ट लाइन फिक्स है, जो बाकी जो सारी लाइन्स है वो मूव होने हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, हैंगर की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये पहले लाइन फिक्स है, उसके नीचे सारी लाइन हैंग हो गए, दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ओके फ्रेंड्स, आपको वापस नॉर्मल करना है तो Ctrl+Shift+T, बैक टू नॉर्मल, दिस इज द हैंगिंग इंडेंट। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट इंडेंट है वो होल पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है,
होल पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है कंट्रोल प्लस एम, एंड टू अंडू द पैराग्राफ इंडेंट आपको यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, आपको कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है पैराग्राफ के, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, होल पैराग्राफ इंडेंट हो रहा है ना, मूव हो रहा है पूरा पैराग्राफ। ठीक है, बैक टू नॉर्मल कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, नॉर्मल में जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो पैराग्राफ में, ठीक है, जो पैराग्राफ ग्रुप में ग्रुप है, इसमें आपका ये जो दिख रहा है ना, दो कमांड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉलो माई कर्सर, ये जो कमांड आपको दिख रहा है, माउस ओवर करोगे डिक्रीज इंडेंट लिखा हुआ है, और इस पर आओगे लिखा होगा इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, इंक्रीज करोगे इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों कमांड का भी यूज़ कर सकते हो टू होल पैराग्राफ इंडेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि पैराग्राफ इंडेंटेशन जो है उसका अफेक्ट जो है अलाइनमेंट में, जो आपका पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है ना उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर इंक्रीज करूँ तो अलाइनमेंट जो है लेफ्ट, इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है। ठीक है, तो अलाइनमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ इंडेंट हो रहा है। ओके, तो पैराग्राफ इंडेंटेशन का जो है अलाइनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इज़ ओनली रिलेटेड टू द पेज मार्जिन, जो भी आपका पेज मार्जिन है ना, उतने ही एरिया में आपका डेटा जो है मूव होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है, ठीक है, समझाने का, ठीक है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसके लिए एक बार मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो टिल देन। ठीक है, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड गुड बाय।